नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर की जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें अभी कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर की जो महानगर पालिका है, उन्होंने सम्मानित किया था। अब एक बार फिर से उन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो इस कोरोना काल में निरंतर उन लोगों का सम्मान करते आ रही है जो इस कोविड के काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी आज इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। और हमारे साथ संदीप राणे जी हैं, आइए जानते हैं संदीप राणे जी इस विषय पर क्या कहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो कोरोना का काल में जो काम किया है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कम 2.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से बिल कम किए। हॉस्पिटल का बिल जिसका 5 लाख रुपये आया, जिसका 3 लाख रुपये, ऐसा करके हमारे पास जिसका जिसका कंप्लेंट आया उसका हम लोगों ने 50% तक 60% तक उसका कंसेशन में हम लोगों ने बिल कम करवाया। हमने देखा है कि कोरोना का काल में कोई रोड पर नहीं था। आप देखते हैं कि कोई भी पार्टी रोड पर नहीं था, खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही रोड पर था। लेकिन हमारे से ज़्यादा जो स्ट्रगल जो किया रहेगा तो इन लोगों ने किया है, जो मयत होते थे कोविड के पेशेंट, उनको स्मशान तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा जो इनका जो हिस्सा है समाज के बीच में। मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से इनका सत्कार होना चाहिए था। उस माध्यम से हमने हमारी पूरी महिला की जो टीम है उनके तरफ से उनका सम्मान किया है, ताकि एक भाई बहन का रिश्ता क्या होता है वो हम लोगों ने आज ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इनको सम्मानित किया, एक बहन ने। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का सत्कार और ऐसे लोगों का, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने और मीरा भाईंदर ने बहुत ही पहले करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देरी किया, ठीक है, उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अलावा दूसरा कोई भी पार्टी बीच में नहीं आया कि इनका सत्कार करने के लिए। उसका कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो हर एक कार्यकर्ता है, इन्होंने जाना है कि समाज सेवा क्या है और धरती पर रोड पर उतरने का काम खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जिसने अपना परिवार का कभी फिक्र नहीं किया, अपना घर बार का कभी फिक्र नहीं किया और रोड पे उतर के आज उन्होंने जो स्मशान तक पहुँचाने का जो काम किया है, तो बहुत ही उल्लेखनीय काम है, उसके लिए हमने इनका सत्कार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कम से कम रुग्ण हो, मैं इनको शुभेच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन कम से कम रुग्ण हो और कम से कम इनको तकलीफ हो इनके परिवार को, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। 100% का मैं बोलता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के जो मीरा भाईंदर के जनप्रतिनिधि है ना, ये कमज़ोर है। आज ये क्यों होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब कमज़ोर होता है ना, जब ये सब सिचुएशन क्रिएट होता है। मेरा कहने का था जनप्रतिनिधि का ये जवाबदारी था कि सबसे पहला कोविड योद्धा इनको डिक्लेयर करके इनको सम्मान पहले होना चाहिए था, ना कि आमदार खासदार और नगर सेवक का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन हम लोग ने भी बारम्बार इनको चेतावनी दिया था लेटर के माध्यम से कि भाई इनको कोरोना योद्धा जो है नर्स है, आपने देखा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले नर्स लोग का सत्कार जो किया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया है। तो ठीक है, अभी लेट हुआ सही हुआ, लेकिन इसके आगे जो थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव में कम से कम रुकना हो और कम से कम इनको तकलीफ हो ये, और नगर पालिका के हिसाब से कुछ ना कुछ धोरण होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका में कुछ धोरण ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, उसके कारण ये सब लेट हो रहा है। और जनप्रतिनिधि का विचार जो बोलते हैं ना, वो उनका कुछ विचार ही पॉजिटिव नहीं, इसके लिए सब ये लेट हो रहा है। मैं इनके कंपनी को मालिक को मिलने वाला हूँ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इनको इंश्योरेंस निकाल के देने का मेरा इच्छा है। लेकिन महाराष्ट्र निर्माण सेना के तरफ इनका जो सिटीजन के जो स्टेट है मालिक है उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ, और जो सिटीजन के मालिक है उनको मैं मेरे ऑफिस में बुलाने वाला हूँ और उनको मैं एक विनंती करने वाला हूँ कि इसमें से एक भी आदमी कम नहीं होना चाहिए। ये आदमी मुझे फिक्स दे दो इधर, उनका इंश्योरेंस दिलाने का जवाबदारी मेरा है संदीप राणे करके, और इनका कुटुंब ऐसा सुरक्षित होना चाहिए, एक ऐसे सुरक्षित होना चाहिए, ये मेरी जवाबदारी है महाराष्ट्र की तरफ से। इनके मालिक को बुला के जल्द से जल्द मैं मीटिंग ला के इनका इंश्योरेंस में कैसा कवर हो मेरे तरफ से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। उसने क्या किया क्या नहीं मुझे देखना पड़ेगा पहले, अगर उसने किया है तो ठीक है, नहीं किया रहेगा तो फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसा मिलेगा, ये मेरे माध्यम से मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से करने वाला हूँ। मीरा भाईंदर का नाम रोशन करने वाले, साथ ही पूरे देश का नाम रोशन करने वाले 13 साल के लड़के ऋषभ शेट्टी को आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं 145 के संदीप राणे, वो उनके घर पर गए अपनी पूरी टीम के साथ। उन्होंने ऋषभ शेट्टी, उनके माता पिता, साथ ही उनके गुरु का भी सम्मान किया है और उन्होंने महानगर पालिका से मांग की है कि जो ऐसे खिलाड़ी हैं उनको महानगर पालिका प्रोत्साहित करे ताकि वो इस तरह के खेलों में अपने देश का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इसी विषय पर हमने संदीप राणे जी से बात की है, आइए जानते हैं संदीप राणे ने इस विषय पर क्या कहा है।
आज मीरा भाईंदर का जो भी एक शिष्टमंडल है या सब नेता है और जो अधिकारी है, उनको मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से सबसे पहले इसका सत्कार होना चाहिए था और वो हुआ नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज मीरा भाईंदर में एक, इससे पहले भी करण पवार करके जो ये बच्चा है, इन्होंने रिकॉर्ड किया था। आज एशिया में, आज एशिया के बुक के अंदर इसका रिकॉर्ड हुआ ऋषभ का। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से इनका सत्कार होना चाहिए था, इसको सम्मान होना चाहिए था। और इनके लिए वो लोग क्या योजना दे रहे हैं, क्या उनके लिए फैसिलिटी दे रही है, उनके बारे में चर्चा होना चाहिए था और कुछ निर्णय भी आना चाहिए था। मैंने अभी डिसीजन लिया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को कल पत्र लिखकर इनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। चेतावनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे रत्न मीरा भाईंदर में है। आज मीरा भाईंदर में ऐसे रत्न होने के बाद भी अगर उनका सम्मान नहीं किया जाता है तो शोकांतिक है। मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के आमदार, खासदार, महापौर और आयुक्त है, इनको मैं कल लेटर लिखने वाला हूँ और इनको बताना चाहता हूँ कि आप इनका लक्ष्य जो है यहाँ पे केंद्रित कर दीजिए और इनके लिए आप क्या फैसिलिटी देंगे। आज आने वाले दिनों में, आज भविष्य है, आज ये भारत का भविष्य है, आज मीरा भाईंदर का ये भविष्य है। इसको आज अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो मीरा भाईंदर और नगर पालिका इसका सम्मान नहीं होगा तो इसका सम्मान कौन करेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज प्रथम यहाँ पे आए, मैंने उनका मम्मी डैडी को पूछा, यहाँ पे कोई भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया नहीं। सिस्टम के हिसाब से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब भी नाम आता है, जब भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सूचित किया जाता है अपने अपने एरिया में, जैसा जो ज्यूरिडिक्शन रहता है उस एरिया में उनको सूचित किया जाता है कि आपके एरिया में अमुक अमुक जो है वो रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में इसका नाम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके लिए फैसिलिटी मिले और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके लिए प्रयत्न करेगी। और सभी आमदार, खासदार को मैं लेटर लिखने वाला हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय अविनाश यादव साहब के माध्यम से मैं इनको सबको पत्र व्यवहार करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छा फैसिलिटी मिले नगर पालिका की तरफ से, ये हमारी कोशिश रहेगी और आने वाले दिनों में आपको देखेगी। मेरा जाहिर आरोप है इनके पास कुछ प्लानिंग नहीं है। आज विचार करो, एक रत्न आज आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ये जगह के रत्नों को आप बुला के सम्मानित करते हो यहाँ पे इंडिया में बुला के, और अपने पास जो रत्न है उनके पास कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मतलब कुछ बेफिक्र है, इनको कुछ फिक्र पड़ी नहीं है कोई ऐसे जो कैंडिडेट की, तो मैं इनको जगाने का भी काम करने वाला हूँ। महाराष्ट्र उनमें से ना आने वाले दिनों में इनको जगाने का काम करेगा और इस ये दोनों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं महाराष्ट्र उनमें से ना रोड पे उतरेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनको ये बोल रहा हूँ ना, देखो ऋषभ शेट्टी या करण पवार ये कोई बड़े करोड़पति के बच्चे नहीं है, ये सामान्य कुटुंब के लोग हैं। तो हम वही चाहते हैं ना, अगर ये करोड़पति रहते तो हम इनके घर पर भी नहीं आते थे। क्यों, उनका मुझे समझता है आज फैमिली का बैकग्राउंड, कि आज उनके डैडी है होटल में कुछ काम करते हैं और उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो मैं चाहता हूँ अगर इनके पास कैलिबर है और कैलिबर का अगर एनकैशमेंट नहीं होगा तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है वो लक्ष्य केंद्रित करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयुक्त, आमदार, खासदार को लेटर लिखेगी। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय अविनाश यादव साहब के साथ में हम लोग जाएंगे नगर पालिका और इनको जगाने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जवाबदारी इनका बनता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का। हमारा बाद में नंबर आता है, लेकिन हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक दिमाग में लिया कि इसका इनका सत्कार करने का, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये कुटुंबों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनको कुछ भी अगर तकलीफ है आगे, कुछ भी तकलीफ है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके पीछे खड़ी रहेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने उन योद्धाओं से कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कभी भी कोई सहायता की ज़रूरत रहेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो टीम है वो उन योद्धाओं के साथ निरंतर खड़ी रहेगी अगर उन्हें कहीं भी किसी तरह की सहायता की ज़रूरत होगी। साथ ही संदीप राणे जी ने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं को वो इंश्योरेंस निकाल के देंगे ताकि उनको या उनके परिवार को कभी किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है तो इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी सहायता हो सके। साथ ही जो 13 साल के ऋषभ शेट्टी हैं उनके लिए भी संदीप राणे जी ने कहा है कि महानगर पालिका ऐसे खिलाड़ियों को प्रेरित करे, साथ ही उन खिलाड़ियों को सम्मानित करे और उन्हें कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करे ताकि जो ये मध्यम वर्ग के लोग हैं अपने बच्चों को इस तरह के खेल के लिए प्रोत्साहित कर सकें और उनके जो बच्चे हैं अपने देश का नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। अभी तक
ऋषभ शेट्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक सम्मानित नहीं किया है। साथ ही महानगर पालिका ने भी ऋषभ शेट्टी को अनदेखा कर दिया है, जिस पर भी संदीप रानी जी ने कहा है कि वो महानगर पालिका को एक पत्र लिखकर सूचित करेंगे कि ऐसे खिलाड़ियों को अनदेखा ना करें, ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दें। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।